आज बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्लीर रामलीला मैदान में आज और आसंता दुई दिन धरी चलो अधिवेशन आज अपराह्नरे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अधिवेशन में उद्बोधन देते आसंता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अधिवेशन में जोगदे उद्बोधन देते केन्द्र सरकार विभिन्न मंत्री और दलियों नेता अधिवेशन में जोगदेवार कार्यक्रम रही अधिवेशन में आगामी लोकसभा निर्वाचन में कौन स्ट्राटेजी रहिब दल किपरि भाव में भल प्रदर्शन कर विशेष भाव में आलोचना निर्वाचन पूर्व यह हूँ बीजेपी शेष राष्ट्रीय अधिवेशन ए संपर्क अधिक सूचना देवाई आम सहित फोन लाइन में जोड़ी हो जाती आम दिल्ली प्रतिनिधि सबनम आदेनी रही सबनम आज बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन केतेबेले अधिवेशन आरंभ हो देखो प्रियंका अधिवेशन बारटू आरंभ हम किंतु अमित शाह या जो राष्ट्रीय परिषद बैठक रही पाखापाखि दुईटू तीन टा भर आरंभ हम जहाँ इनोग्रेसन करेंगे अध्यक्ष अमित शाह जदि आप देखिए तो विभिन्न राजनीतिक कारण आज अधिवेशन बहुत गुरुत्वपूर्ण रोक कारण मोदी सरकार को पांच वर्ष जो पूर्ति पांच वर्षर आज हूँ अंतिम अधिवेशन करेंगे आपड़ आसंता निर्वाचन को लेकिन अधिवेशन अधिक गुरुत्वपूर्ण रोच कारण यही दु दिन भितर गुड़े इश्यू उपरे आलोचना हम एवं को इश्यू को लेकिन सरकार लोकों पाखे पहुंची पारे आज डिसाइड राजनैतिक एवं आर्थिक इश्यू गुड़ाक रही से मुद्दा छड़ा अनेक सबर्ण रिजर्वेशन बिल 10% पास कर सरकार एवं सहित रोजगार भत्ता एवं महिला जो आरक्षण रही दाव खेली पारे आज मोदी सरकार एवं जो पाखापाखि जहां सूचना मिलू 12,000 रु अधिक कर्मी महासभा सेवा को जा 12,000 रु अधिक नेता कर्मी एवं समस्त राज्य प्रभारी एटी जोग दौंती एवं ओडिशारु मध्य पाखापाखि 300 नेता आसी पहुंची चंती एठारे एवं समस्त अपेक्षा रही समस्त आखि मध्य जे अमित शाह एवं मोदी कौन कहते किभरी भाव निज कार्यकर्ता मनोबल बढ़ाऊ आगामी निर्वाचन जो इश्यू रोच से मानको निर्वाचन लड़बार गोटे रोडमैप आज या से को इश्यू नहीं लोकों पाखक जाए सहित सरकार पांच वर्षर अनुभूति को आज ये संबर्धित करे आसंता काली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उद्बोधन देवे समस्त नजर रोदी किभली भाव कर्मकर्ता उत्साहित करण कहते को मेन इश्यू से रखुं कारण जहां सूचना मिलू आर्थिक एवं राजनैतिक इश्यू छड़ा महिला आरक्षण एवं रोजगार भत्ता उपर मध्य से कही पारंती एवं विभिन्न इश्यू को लेके डिस्कशन मध्य करा जीव नियंत्र पे सबनम आपण मध्य जा कोछंती अनेक इश्यू रहिची एवं समस्तंकर मध्य नजर रहिची आपण मध्य कोछन जे ओडिसा रो मध्य नेता कर्मी सेठा को जाईछंती बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कोन कहिबे एवं आग को जेतु साधारण निर्वाचन रहिची स्ट्रेटजी कोन रहबो एहा को नै निहात रूपे खमाखोट आलोचना होई पारे आजि निश्चित भाव देखो तो निर्वाचन को बहुत अल्प समय मध्य बाकी रहला ताको लेकिन आलोचना हो पार कारण राज्यसभा लोकसभा 10% सवर्ण बिल पास हो केवल राष्ट्रपति मोहर लगे बाकी रही यह गोटे बहुत बड़ सिक्सर बोली राजनीतिक महल में चर्चा होभली भाव अनेक सिक्सर मोदी कड़ी पारती कारण आगामी निर्वाचन को आखि आगामी निर्वाचन रही ताकि भाषण में कौन कहते कि भाव उद्बोधन दूसरी कर्मी मानक कि उत्साहित करुछंती जो बीजेपी सरकार जो सीएम अच्छा से आसी पहुंची समस्त देशर उच्च नेता मैंने आसी पहुंची को इश्यू नहीं कि से लोकों पाखक जी नहीं कि आलोचना करेंगे और रोड मैप या जो फाइनल मोहर लगे से उच्च पदाधिकारी बैठक हम बीजेपी बहुत बहुत धन्यवाद आप समस्त सूचना सबनम जी आमको अधिक सूचना दूसरे।